अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टेलरिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि लहंगा ब्लाउज़ हमारे इंडियन कल्चर का एक ख़ास हिस्सा है और स्पेशली साउथ इंडियन इसको बहुत ज़्यादा खुशी से पहनते हैं। हर इवेंट्स में इसको पहना जाता है, चाहे मैरिज हो या फेस्टिवल्स हो, और इसको हाफ साड़ी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमने ब्लाउज़ सैरी में से ब्लाउज़ कट करके इस पर आरी वर्क किया है इस तरह से। तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप, इसको हमने आरी वर्क से डिज़ाइन किया है। तो इसको अब हम साइड पे रख देते हैं और अब हम यहाँ पर सैरी के इस अंदर के पल्लू को कट कर देंगे। फिर इस मेन पल्लू को भी हम कट कर देंगे और अब हम इस सैरी के 8 फोल्ड्स फोल्डिंग्स करेंगे और ये हमारा 8 फोल्ड है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक ही साइज़ में करते हुए बिछा देंगे। लेंथ देखेंगे हम सबसे पहले, जो कि हमारा लहंगे का यहाँ पर 40 इंचेस है। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 40 इंचेस में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए। और अब हम यहाँ पर मार्क करके इसको स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे। इसके बाद 2 इंचेस यहाँ पर हम अपने लेंथ में से लेस कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, 2 इंचेस हमने 41.5 इंच में से 2 इंचेस लेस किया है और अब हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस लाइन को ना कट करते हुए इस लाइन को कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी कमर पट्टी आएगी 2 इंचेस की। इसके लिए हम 2 इंचेस लेंथ में से लेस करके कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर छोटा सा कट लगाएंगे और इस तरफ भी कट लगाएंगे। तो ये हमारे मार्क्स होंगे प्लीट्स डालने के लिए। तो अब हम यहाँ पर ऊपर से जो बचा हुआ फैब्रिक था साड़ी का, ऊपर के साइड जो हमने कट किया करके बचाया था, उसके फैब्रिक में हम यहाँ पर वेस्ट बेल्ट कमर पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कस्टमर का कमर का मेजरमेंट है 26 इंच, जिसका 2 फोल्ड पर हम लेंगे 13 इंचेस और लूजिंग के लिए 3 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पर। तो 3 इंचेस प्लस 13 इंचेस 16 हो गया। तो यहाँ पर 16 पर मार्क करेंगे। यहाँ पर विड्थ में हमने 6 इंचेस लिया है, तो इसे हम 3 इंचेस पर फोल्ड कर देंगे और 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग के लिए चला जाएगा। तो 2 इंचेस की हमारी कमर पट्टी आएगी। तो इसको भी हम इसी तरह से बिल्कुल बीच में सबसे पहले बीच फोल्डिंग पर कट लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको ओपन कर देंगे और 2 इंचेस की दूरी पर हम मार्क करेंगे। हमारे 2 इंचेस की प्लीट्स, यानी 2 इंचेस की चौड़ाई के प्लीट्स डालने के लिए हम 2 इंचेस पर बिल्कुल एक ही तरह के कट्स, एक ही डिस्टेंस के कट्स लगाएंगे। अगर आप 1.5 इंच की प्लीट्स लगाना चाहते हैं तो जितना भी वेस्ट राउंड होता है उसको डिवाइड करके जितने कट्स यहाँ पर हमारी कमर पट्टी में लगते हैं बिल्कुल उतने ही कट्स
लहंगे के कपड़े में भी लगाएंगे आप लोग। तो इस तरह से हमें सेम साइज़ के प्लेट्स बनेंगे। तो यहाँ तक हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम आगे स्टिचिंग सीखेंगे। तो स्टिचिंग की शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमने स्टिचिंग के लिए सबसे पहले कमर पट्टी ली है, तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया था 2-2 इंचेस की मार्क पर कमर पट्टी पर मार्क की है, इसी तरह से यहाँ पर हमने जितने कमर पट्टी पर कट्स लगाए हैं उतने ही, बिल्कुल उतने ही हम लहंगे के फैब्रिक में भी लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, और एक बात है फ्रेंड्स, वीडियो को बग़ैर स्किप किए देखें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें डिलीट करके ही मेन जो टिप्स हैं उन पर ही वीडियो बनाया है। अगर आप बग़ैर स्किप किए देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम प्लीट्स बनाने का सही तरीका दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कमर पट्टी पर वेस्ट बेल्ट पर इस तरह से 1/2 इंच में फर्स्ट स्टिच करेंगे, और ये हमारा पहले वाला चटका सबसे फर्स्ट वाले चटके को कमर पट्टी के सबसे पहले वाले चटके को मैच करेंगे। जहाँ पर कमर पट्टी का हमारा चटका होगा बिल्कुल वहीं पर हमारे लहंगे में जो पहला आया है चटका उसको मैच करते हुए हम 1 इंच तक स्टिच करेंगे। तो ये अभी हमारा दूसरे वाला है, उसको इस तरह से दूसरे वाले चटके को ज्वाइन करके इस तरह से हम, अगर ये फैब्रिक हमारा ऊपर तक ज़्यादा भी आ जाए तो ये कुछ नहीं होगा, अंदर से हमारी फिनिशिंग बिल्कुल सही आएगी। तो अभी ये थर्ड जो चटका है कमर पट्टी का उसको इसी तरह से हमने, ये देखिए लहंगे के भी थर्ड चटके को हमने ज्वाइन करके मैच करके यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हम तमाम चटकों को 1 by 1 ज्वाइन करते हुए स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 प्लीट्स लगा लिए हैं, तो इसको मैं आपको, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टॉप करके आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक ही साइज़ के हमारे प्लीट्स आए हैं। तो तमाम प्लीट्स भी इसी तरह से हमारे स्टिच होंगे। इन चटकों को हम 1 by 1 मैच करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे, तो हमारे इसी तरह से फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पूरी लहंगे की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये उल्टे में इस तरह से नज़र आएगा, देख सकते हैं आप जिस तरह से मैंने स्टिच किया है। आप भी इसी तरह से इन टिप्स को फॉलो करते हुए स्टिच करेंगे तो आपका लहंगा भी बिल्कुल इतनी ही फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा।
ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर हिट कर दें। तो अब हम इस लाइनिंग फैब्रिक को, जो हमने पहले से ही छोटी छोटी प्लीट्स लगाकर जितनी हमारी वेस्ट बेल्ट है उतनी हमने स्टिच करके रखी है, तो अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पर स्टिच लगाएंगे हम। तो हमने लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करके साइड पे रख दिया है। अब हम नाड़ा स्टिच करेंगे लहंगे के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बायस पट्टीज कट कर ली हैं। इस तरह से बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। और इस तरह सुई में डालकर हम इसको साइड में रख देते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको ले आए हैं आयरन टेबल पर, ताकि इन प्लीट्स को आयरन करके बिल्कुल अच्छी तरह से वन बाय वन प्रेस करके बिठा दें, ताकि हमारा लहंगा इधर उधर बिखरे बगैर खूबसूरत नज़र आए। तो इसके लिए इस तरह से हम वन बाय वन स्टेप्स को, प्लीट्स को स्टेप बाय स्टेप कट करते जाएंगे और आयरन करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी आयरन कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने तमाम लहंगे को स्टेप बाय स्टेप प्लीट्स को आयरन करके तैयार कर लिया। अब हम जिप की स्टिचिंग करेंगे लहंगे की साइड में। तो इसके लिए हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इसको छोटा सा कट लगा लेंगे और यहाँ पर भी दूसरी वाली साइड भी हमने यहाँ पर कट लगा ली है। तो यहाँ पर हम स्टिच करेंगे, यहाँ से स्टिचिंग शुरू करेंगे और नीचे तक हम इसको स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमने लहंगे की साइड वाली ओपनिंग को डबल स्टिच डालते हुए स्टिच कर लेना है। तो अब हम स्टिच करेंगे जिप। जिप स्टिच के लिए हम सबसे पहले सिंगल फोल्ड के साथ हमारी ओपनिंग को, जो हमने 11 इंच पर मार्क लगाया था, उस ओपनिंग को इस तरह से दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अब हम इस जिप को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। ये इनविजिबल जिपर हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अगरचे आप चाहें तो नॉर्मल जिपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स, कि हम अगर हम इनविजिबल जिपर यूज़ करेंगे तो जो फोल्डिंग रहती है इनविजिबल जिपर के, उस फोल्डिंग को हम ओपन करते हुए हम स्टिच करेंगे तो वो बिल्कुल इनविजिबल स्टिच होगी कपड़े पर। तो ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी जिप स्टिचिंग। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। हम इस तरह से साइड में जिप रखकर स्टिच करने से हमारी कमर की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, जो कि सिर्फ नाड़ा स्टिच करने से हमारी कमर जो है वो फिटिंग सही नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर इसको यहाँ से हम स्टिच नहीं करेंगे, बल्कि इस साइड से स्टिच करेंगे। अगर हम जिप के पूरी स्टार्टिंग से स्टिच करेंगे तो हमारी जिप ऊपर तक नहीं आएगी। इसके लिए हम
आगे से थोड़ा सा छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए, हाफ इंच की फोल्ड करते हुए हम पूरी वेस्ट बैंड को कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर भी हमने पूरी जिप तक स्टिच नहीं करनी है, सिर्फ फैब्रिक की फोल्ड तक स्टिच करके आगे से थोड़ा सा बगैर स्टिच किए छोड़ देना है, मतलब जिप पर स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। तो अब हमने ये जो नाड़ा सिला हुआ रखा है पहले से, उसको इसकी वेस्ट बैंड के नेफे में डाल देंगे। तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है स्टिचिंग। तो अब हम हैंगिंग्स बनाने के लिए 3 साइज़ के स्क्वायर पीसेस लिए हैं, जो 1x1 छोटे और बड़े साइज़ के हैं। तो सबसे पहले हम पूरे नीचे की ओर सबसे छोटा वाला स्क्वायर पीस फैब्रिक का जो है वो रखकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड लगाने से हमारा जो फैब्रिक का फोल्ड है वो अच्छी कली की तरह बैठ जाएगा, तो इससे लुक अच्छी आएगी। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने स्टिच किया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़े वाला हम लेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे पहले, और इसको इस तरह से नाप फोल्ड करके नाप देखेंगे, यहाँ तक आनी चाहिए इसकी फोल्डिंग। अब यहाँ पर हम स्टिच करेंगे इस तरह से, हम फोल्ड करके चेक कर लेंगे तो हमें सही नाप मिलेगा कि दूसरे वाली हैंगिंग्स बिल्कुल इसके नीचे तक आनी चाहिए। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से तीनों को स्टिच करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे लहंगे की कंप्लीट स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखें फ्रेंड्स, इतना सुंदर सा एक ही साइजेस वाली प्लीट्स वाला लहंगा हमारा बनके तैयार है। अगर जो आपको कोई भी चीज़ की डाउट है हो तो, और कोई चीज़ समझना आई हो तो, और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और हम ज़रूर रिप्लाई देंगे आपको। और ये मेरी वीडियो और मेरी कोशिश आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।